बात, अरे जब पानी के बाहर मछली मिल जाती है तो मुझे पानी में जाकर क्या जरूरत है? अरे अपनी पकड़ी हुई मछली और चुराई हुई मछली में बहुत फर्क होता है। सलाम दीदी, क्या क्या रहे तुम? सलाम राजा देवी। चाचा बहुत बहुत चाचा, वापसी पर और कश्ती चटानों में फंस गई, हम लंगर डाल के बांध आए, चल ले आएंगे। कश्ती चटानों में फंस गई, घबराने की कोई बात नहीं है जगह से, हम लोग उसकी कबर कर मरे बहन मिल जाता है। तो क्या मालूम हम लोग बीच समंदर क्या क्या खतरे मोड़ लेते हैं। मैं सिर्फ यही जानता राष्ट्रीय, दो दिन के अंदर अंदर कश्ती के मरम्मत के पैसे पहुंच जाए वरना। सरकार तुम्हें कुछ समझाओ, दो दिन में बेचार में कितने ला गए। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लो। घबराने की बात नहीं है राष्ट्रीय, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुम लोग जाओ मंडी में माल तुलवाओ। तुम्हारा और ठेकेदार का मामला है, सरदार की दोस्ती का गलत फायदा न उठाओ। देख बस्ती वालों पर इतना जुल्म ना करो। एक पैसा नहीं दूंगा, हम करें और हराम की जवानी तू ले। अच्छा नहीं देते तो क्या दफा होगा। पंडित जी कितने हो गई? अब मछलियाँ तुलवा ले। मछलियाँ तो तुलवा लूंगा पर आप ही चार सौ सर कैसे देता हूँ? जब तक तू सवामन मछली नहीं पकड़ेगा मैं कोई बात नहीं मानूंगा। जा तुलवा ले सर। हो उनकी बात बाबा खेल आ रहा है। उधर क्या देखती हो? पैसे निकालो। लेकिन ये कामकाज तो ठीक चल रहा है ना? हम यहाँ सब पसंद करो गाड़ी तो अच्छी है ना? हाँ सर, अल्लाह का शुक्र है। हाँ हाँ बहुत मजे है। नहीं जी, काम बहुत है। अच्छा काम तो है सर, बड़ी अच्छी पसंद है। तो ये भी अच्छी है पर फिर बात मेरी ना है वो बत्ती किसी मौजा नहीं है। कैसी जाली छोकरी है। Yeah.
मैंने सोचा था तुझे कश्ती में सैर कराने ले जाऊंगा और तुम मुझसे ऐसी भाभी जैसे खा जाऊंगा। मैं बस्ती के सरदार की बेटी और तुम एक मामूली मछेरा। अरे ठीक है, बस्ती में बहुत सी लड़कियां, किसी को भी ले जाऊंगा। मैं तेरे और उसके दोनों के टुकड़े करके फेकड़ों को खिला दूंगी। हाँ तो तेरी में नखरे कौन उठाएगा? राजू तो कल को बहुत तेज चला था। तो क्या हुआ? उसने अगर लड़की थी तो शायद टूट गई। आज तो चला राजू, तुझे उस जीरे को कैसे तेज चलाने की क्या बीमारी है? जीरा इसलिए तेज चलाता है कि उसने सरदारी के लिए नाव की दौड़ की, और मैं इसकी तेज चलाता हूँ कि तुझे भगा कर ले जाना है, और मैं चाहता हूँ हमें कोई ना पकड़ सके। अरे वो देख किनारे पे हम लोग भले है ना बालू, हम कब तक छुप छुप कर जगह में मिलते रहे? ऐसा क्या तू मेरे घर आ? मैं खुद ही हूँ। अभी नहीं, तुम हम बात कर अच्छा भैया, मेरी बैठने को भी कर अगर तू यहाँ अकेले ही बैठने को जी जा रहा तो आप तुझे इससे भी अच्छी जगह दिखाऊं। चल छोड़ मेरा काम, छोड़ दे। क्या कर रहा है? मैं राजा अकेले बैठने के जी जा रहा हूँ। जब तुम दोनों का अकेले बैठने को जी जाता है तो इतने अकेले क्यों नहीं बैठते? चल भगी, अब बहुत देर हो गई है। कल तो कल एक वादा था, कल फिर आएगी। आज इधर से घूमते हुए चलेंगे। इधर का जोर बैठा है कितना इधर से बाबा जा सकते? अगर उन्होंने इस वक्त साथ देख लिया तो फिर वो उल्टी बात। अरे मैं कसम करनी कोई सोच नहीं, ऐसा ही सच्चा प्यार है तो बाबा का सामान मछली पकड़ कर क्यों नहीं दे देते? फिर वही उल्टी बात। अरे मैं कहता हूँ जो लोग मछलियाँ नहीं पकड़ सकते वो क्या जिंदगी भर कुंवारे रहते हैं? देख मैं बता देता हूँ, अगर तेरे बाबर ने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर जाएगा। अरे जाने दे, रहने दे। उल्टी बात मुंशी, मैं रसीली के लेकर आया बल्कि हम दोनों एक दिन भगवान बनकर। बाबा तुम रसीली के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। रसीली आई मैं तुझे इसके साथ न देखूं।
ये नहीं हो सकता बाहर कथा कहीं से। हम न तुमको न दिखाया हम है लाल बाकी आए इसे झोंक के अपने साथी तेरा मेरा साथी सुंदर हम तुमने वाले मौत गले मिल जाए तो बनती है धार मौत गले मिल जानती है धार लहर से लहर मिले तो छाती लहराता है प्यार हाथ में हमें तो बन जाती है तेरे आगे पानी है टकराता समंदर तेरा साधु ने इस महीने नाव का किराया नहीं दिया नाव का किराया अब तक नहीं। हाँ देखो मैंने मुंशी को कह दिया था कि जो किराया आज तक देता रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं देता। फिर वही रट लगा रहा है। जब सेठ ने नाव का किराया बढ़ा दिया तो मैं तुझसे पुराना किराया कैसे ले लूँ? पर मैं पूछता हूँ तुमने नाव का किराया बढ़ा ही क्यों? तुम ये पूछने वाला कौन होता है? उसी को कहते अगर नाव का किराया बढ़ाना तो सेठ तो मंडी में मच्छी का भाव भी बढ़ाया होता और अगर भाव नहीं बढ़ाया था तो यही सोच लिया होता। गरीब मछेरा इतनी बड़ी रकम कैसे? ये हमारे सोचने की बात बात तुम्हारे ही सोचने की है सेठ। अगर तुम ऐसी बातें सोचना पसंद नहीं करती अगर सोच तो जितने की कश्तियां नहीं उससे कहीं ज्यादा किराया तुम वसूल कर चुके हो और अगर कुछ और सोच कश्तियों तो बस्ती के मानसियों का हक बन चुका है। मैं यहाँ नसीहत लेने नहीं किराया वसूल करने आया हूँ। ताजू किराया देता ही नहीं। उतना किराया तुम मांगते हो उतना मेरे पास नहीं है सेठ। मुंशी जी नाव से वापस ले लो। तो क्या है कि नाव न छू सेठ? नाव न छू सेठ। क्या सेठ से माफी मांग ले? दादू नाव छू ली तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। राष्ट्रीय बच्चों का पेट पालने वाला चक्कू से नाव वापस नहीं ली। मेरी नाव तुमने मेरी तरह करी मंगल सरदार की जगह राजा को बस्ती का सरदार बन गया। राजा आज तुमने अपनी नाव देकर ताजू के बच्चों को भूख से बचा लिया पर इस तरह सारी बस्ती तो जग्गू के जुल्म से नहीं बच सकती। जुल्म का मुकाबला से करना होगा दीदी चाचा। अरे तू क्या सोच रही? यही कि नाव के बगैर आपको काम तो कैसे जाएगा? क्या तू मेरी नाव को राजा की नाव नहीं समझ? अब हम दोनों एक ही नाव। फिर वही उसकी बात। अरे मैं जब्बू शेर से बहुत बड़ी नाव खरीदने वाला हूँ।
और क्या झूठ, उसने रसीली बैग की और उनको पीरता हुआ यूं प्यार के समुद्र में जाया करूंगा यूं रसीली देख रही है ना? हाँ हाँ देख रही हूँ। जब दूसरा किनारा आ जाए तो मुझे बता देना। बस सब रोक ले, किनारा आ गया। आ गया? अरे तू चप्पू चलाने लगा, अब पानी की तरह मोड़ ले। ना बाबा ना, पानी की तरह मोड़ ले। वाह भाई वाह, अब तो अपना यार पानी से बिल्कुल नहीं डरता है। तू कैसी चला रहा है खगे? और क्या, अब तो रसील के बाप को हाँ कहनी पड़ेगी। पर वो सवामन मछली उल्टी बात। तू सवामन की बात करता है, आज अपना यार दुश्मन पकड़ेगा। ये कैसे अरे कमबख्तो, खुदा के गजब से डरो। अरे अरे तुम्हारे सच्चे ना जाए, मुझे वापिस तो ले जाओ, ले जाओ अल्लाह के बाद से। रसीली रसीली रसीली, अपने बाप से मेरे का माफ करा देना। अच्छा अच्छा कह दूंगी। और मेरे से संदूक में से निकाल कर गरीबों में तकसीम कर देना। अच्छा अच्छा, जाओ मन मछली जरूर पकड़ कर लाइयो। मैं क्या वापिस आऊंगा, खुदा हाफिज लोगो, खुदा हाफिज। नहीं सवाल बहुत देर हो गई है। अरे थोड़ी देर ठहर, वो देख राजा भी आ गया। राजा क्या लगाएगा? अरे जा, हार जाएगा तो रोएगा, आजमा के देख ले। तैयार? तैयार। Thank you.
चलो, मानता है? हाँ हाँ मानता हूँ, तू बड़ा चप्पू बाज। अच्छा तुझे डाल पाली, पाली नाव की दौड़ में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भैया ऐसी दौड़ की परवाह नहीं कर, उसी तेज तरह दौड़ जीत कर सरदार बनने का ही है। तू ठीक कहती है बाली, सोचता हूँ हिम्मत करके तेरे भैया से बात करें। कैसी बात? जानबूझकर गिरे थे तुम हार। क्यों जाती हूँ? उसका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह। अगर वो मजाक में मिला कुछ और हार जाता तो हमारे गुस्से के दो दिन खाना नहीं खाता। तू जीरो को बहुत चाहता है? हाँ जान से भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा? मछली की गर्दन में हाथ डाल दिया और मछली की नाक बंद कर दी। बाप रे बाप, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, मैंने देखा कि राजा और जीरा दोनों मछली के डर से बेहोश।
ये सोच क्या कर रही हूँ, अगर तू फसल उसकी लंबी मछली देख ले तो तेरा क्या हाल हो। ये बात है तो ले यहाँ बैठ जा। अगर आज मैंने 2.5 मन की मछली ना पकड़ के दिखाई तो मेरा नाम भी खतरा नहीं है। बिस्मिल्लाह। ये है 2.5 मन की और ये 1.25 मन की, पूरे 4.25 मन हो गए। अगर तुम कहो तो पूरे समंदर की सबसे बड़ी मछली निकाल के बाहर कर दो। अगर दादी तुझे रखेंगे तो मुझे भी रखूंगा, लेकिन मैं उस तब तक हार नहीं करूंगी जब तक तू जीत के दिखाएगा। अरे माँ, और तो कोई क्या मेरा मुकाबला करेगा। अब दौड़ू, राजा भी मुझसे नहीं जीत सका। मुझे भी यकीन है बेटा, नाव की दौड़ में तुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें यकीन है कि मेरा बेटा ये दौड़ जरूर जीत जाएगा? तुम्हारी बेटी जी को भी मिलेगी तो फिर मुझे तेरी बात मंजूर है। जीरे की खुशी मेरी खुशी। तुम कहो वो बाली के लिए उसके भाई से मिलकर मैं ना 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 मामा जैसी जिद्दी माँ वैसा जिद्दी बेटा। राजा बात यह है, राजा मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तुझे तो चप्पू चाहिए होगा ना, ले जा। राजा चप्पू नहीं, मैं कुछ और मांगना चाहता हूँ। वो छोटा जाल, ये जाल है ना, मुझे चप्पू चाहिए ना मुझे जाल चाहिए। तुम मुझे बोलने की नहीं देता। अरे तू क्या बोलेगा पगले, मुझसे सुन। तुझे ठीक होगी, अगर तब तक जवान रही जिम्मेदारी का बोझ तेरा निकाह बहुत करूँ। जब करूँ भाई की बहन होने वाले सरदार के घर जाएगी तो उसके बाद भाई की दुआओं के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर डाली अगर जान से ज्यादा प्यारी चीज मांगने वाला जाने क्या कह रहा है। अब क्या मांग रहा है तुझसे बताओ। तो वो जीरा है। जीरा उसने क्या मांगा है तुझसे? उसने कहा तेरे घर चीनी सी प्यारी लाख वाली मुसीबत रहती है और मैंने ये सोचकर हार कह दी तेरे जाने। Thank you.
लगा ओ गोरी मुझ पर ये झूठे इल्जाम। दिल में बसा ले उसे अपना बना ले तेरे कदमों पर जो जान भर को क्यों लगे सरदार को जीरे और पानी की मंगनी मुबारक हो। आज राजा और जीरे ने मोहब्बत के जिस बंधन को मजबूत बनाया है वो बस्ती के हर आदमी के दिल की धड़कन बना रहेगा। ये मोहब्बत और ये दोस्ती इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेगी, हमारी बस्ती हमेशा आबाद रहेगी। खुदा करे ये खुशियां बस्ती के घर घर में आई है। खुदा तो आई है। क्या कहना चाहते हो? जग्गू सेठ ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है कि मैं अपना माल मंडी में नहीं बेच सकता। इंसाफ करो सरदार। ये बदमाश है पता मंडी में तंग करता है। बात ये नहीं है सेठ, और ये वक्त इन बातों का नहीं है, फिर कभी देखा जाएगा। अगर आज मैं बस्ती का सरदार होता तो जग्गू सेठ को तेरे पैरों पर गिरा देता। कोई बात नहीं काजू, तुझे मंडी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कल मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। जग्गू सेठ को तुम्हें इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी बाबा। तुम इन बातों को नहीं समझ सकती बेटी। मैं जग्गू सेठ के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना सकता। मैं उसके इशारों से बहुत डरा हुआ हूँ। लेकिन इस तरह से एक दिन बस्ती वाले सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे भैया। तुम्हें बस्ती वालों का भी तो ख्याल करना चाहिए। बस्ती वालों की तुम फिक्र ना करो, जब दूसरे उनसे खुद निपट लेगा। अक्कू राजू को संभाल। आदर तुम भी जाओ। इस मंडी में माल नहीं बेच सकता। आज को मंडी में कोई नहीं रोक सकता। अच्छी तरह जानते हो
कि जग्गू शेठ हमारे मेहमान भी हैं और हमारे दोस्त भी। उसके आदमियों पर तुमने हाथ उठाकर उसकी बेइज्जती नहीं की, हमारी गैरत पर उठा रहा है। सरदार, तुम जिसे मेहमान बनाकर लाए थे वो तुम्हारे घर का मालिक बन बैठा है। तुमने जिसे बस्ती में सिर्फ कारोबार की इजाजत दी थी उसने बस्ती वालों का खून चूसना शुरू कर दिया है। सरदार, हमने अपने एक साथी को उसके जुर्म से बचाकर तुम्हें ललकारा नहीं, तो पढ़े हमसे पूछे बगैर तुमको उसके खिलाफ कदम उठाने का कोई हक नहीं। उसे भी सरदार से पूछे बगैर ताजी पर मंडी का दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए। कानून की हिफाजत करना मेरा काम है, कानून की हिफाजत करना बस्ती के हर आदमी का फर्ज है। राजा, तेरा बाप मेरा दोस्त था, इसलिए आज मैं तुझे माफ करता हूँ। जाओ। बाबा की दोस्ती के नाम पर मैं अपने लिए तुमसे माफी तो नहीं मांगता, बस्ती वालों के लिए इंसाफ जरूर मांगता हूँ। सरदार को जग्गू का नहीं बस्ती वालों का ख्याल रखना चाहिए। हमें ऐसे सरदार की जरूरत नहीं, हमारा सरदार राजा होगा। हमारा सरदार राजा होगा। राजा को सरदार बनाया। सरदार, बस्ती वालों की ये बेकार बातें शराब में भूल कर भूल गए। तुमसे बात बाबू, तो हमारे बस्ती का आदमी नहीं, उसकी खातिर बस्ती वालों से बिगाड़ क्यों पैदा करते हो? मेरी छोटी तो कैसी है भैया, जग्गू शेठ की वजह से बस्ती वाले तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं। सब राजा की चाल, उस सरदार बनने के लिए बस्ती वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहा। नहीं दादू, राजा सरदार को मैं नहीं चाहता। मेरी मानो तो तुम गद्दी पर वीरों को बिठाकर अलग हो जा, इससे वो खुद भी बच लेगा। जब तक मैं जिंदा हूं राजा की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। राजा, आ गई बारा। बाबा समझती है कि तू बस्ती वालों से उनके खिलाफ भड़का रहा है। सुन तो सही, मुझे इन बातों की कोई मतलब नहीं, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तूने आते ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। ये उल्टी सीधी बातें नहीं है राजा, मुझे तो यही लगता है जैसे हमारी जिंदगी में तूफान आने वाला है। मेरा प्यार वो चट्टान है जो हर तूफान का मुंह मोड़ सकता है, समझी? राजा, कहीं बाबा की नाराजगी मेरे और तेरे बीच में समुद्र बनकर न फैल जाए। एक समुद्र, मैं तेरे लिए सात समंदर पार कर सकता हूँ। तू नहीं समझ रहा है राजा। और मुझे समझना भी नहीं। अरे कुछ मेरे दिल की बात समझ, कुछ अपने दिल की बात समझा, और अगर यही सब बकवास करने तो जा रहा हूँ मैं। Thank you.
बोला है जीरा, अभी तक राजा की दोस्ती को नहीं समझ सका है। मेरा मतलब है राजा अपनी जबान से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो जो कुछ चाहता है बस्ती वालों से जरूर कहलवा देता। अब उसी दिन की बात ले लो ना, तुम बस्ती वाले नारा लगा रहे थे हम राजा को सरदार बनाएंगे। अरे उससे इतना तो नहीं हो सका किसी की जबान पकड़ लेता, और इसको है कि उसकी दोस्ती पर मरा जाता है। बस अब चुप हो जाएगा गुस्से। जीरे सुनते सही, अरे मुझसे तो बोल आखिर बात क्या है। तो फिर वो क्यों सुनाया हुआ है? कह तो दिया कोई बात नहीं। महाराज से भैया क्यों खफा है? राजा से वो तो मेरा दोस्त, मुझे बस्ती का सरदार बनाना चाहता, मैं उसे बनाता हूँ नारा। जानिए आज कैसी बातें कर रहा है। राजा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हें उसके घर नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारी समझ में आने वाली बात है। इस बात को किसी को बताना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो सेठ, राजा इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता रहा चलूं। ऐसी छोटी छोटी तो है ही करती है, पर मैं तो राजा को अपना दोस्त ही समझता हूँ। और इस पागल है भी कौन, एक क्यों भाई सुना तुमने? सरदार मंगा जीरे को अपनी बत्ती पर बिठाने की तकदीर सोच रहा है। हमसे पूछते हो तो सरदारी के लिए तुमसे बेहतर आदमी कोई है? बस पैसे की जरा कमजोरी है, पैसे तुम परवाह ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अरे मुझे अपने ही आदमी समझो। और आ जाएंगे, और आ जाएंगे। तुम्हारी तिजोरी में जितने लोग थे सब लोग सारी बस्ती गुजर गए। और किसी फिक्र न करो, मैंने तो सोचा था, तुमने सोचा था कि गुरबत राजा की कमजोरी है और वो इस कमजोरी को खुशी से बेच रहे। मैं गलत सोचा था सेठ, इंसान की कमजोरी गुरबत से दौलत समझती, और तो दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है और अपने साथी को कभी धोखा नहीं देती। अगर तुम सारी दुनिया की बादशाहत को भी रिश्वत बना कर ले आओ तो मैं अपने दोस्त से गद्दारी नहीं कर सकता। क्या बात, कुछ बोल नहीं रहे, शायद जवाब कुछ हो। बाली सेठ साहब को गिलास पानी पिला दे। तो ये ना कहें कि गरीब के घर गए थे और उसने काटे नहीं, लड़ाई के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। इसे तुम जो भी छा के लो, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि मैं बस्ती के हालात का मुकाबला ना कर सकता। बीमारी, शराब और बुढ़ापे में मुझसे मुकाबला करने की ताकत छीन ली है। मैं खुद भी यही चाहता हूँ
तो मैं अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप। वाह, मेरे के होते हुए कोई और ये गद्दी कैसे संभाल सकता है? सच बात तो यही, सारी बस्ती में सरदारी के लिए जीरे से बेहतर आदमी कोई नहीं। तो कुछ जल्दी से मेरे बेटे को सरदार क्यों नहीं बना देती? आखिर रुकावट क्या है? एक रुकावट है, डर है कहीं जीरा बुरा ना मान जाए। मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताओ क्या रुकावट है? राजा, राजा खुद इस बस्ती का सरदार बनना चाहता है। ये झूठ है, राजा सरदार बनने नहीं चाहते। तुम चुप रहो, मेरा भी यही ख्याल है। उसने जीवन को धोखे में रखा हुआ है, बातों उसके खिलाफ गाँव में हिस्सा लेने के लिए वो तैयारी न कर सके। तू वाकई जीरा बहुत खड़ा, ये ऐसी चालों को नहीं समझता। अभी तो बस्ती वाले से राजा का दुम छलना कहते हैं, अगर राजा उसका साथ ना दे तो इसे कोई दो पैसे को भी ना पूछे। ये सब बता है, जीरा राजा से किस बात में कम है? अभी तो बस्ती वाले राजा का दुम छलना कहते हैं, अगर राजा उसका साथ ना दे तो इसे कोई दो पैसे को भी ना पूछे। बुजुर्गों की बातों को ध्यान न देना, ये अपने मतलब के लिए तुझे राजे के खिलाफ झुकाना चाहता है। मैं तो सुनना नहीं चाहता। मुझे तो लगा कि सचमुच के राजा से नाव के दौर में डरता है। क्या तू मेरा बेटा नहीं? क्या तूने मेरा दूध नहीं पिया? तो फिर क्यों डरता है? तू बिल्कुल क्यों? मच्छी का भाव गिराने पर मच्छर बिगड़ रहे हैं। मंडी का कपड़ा मेरा, जो भाव मैं चाहूंगा उसे भाव पर उन्हें मच्छी बेचने पड़ेगी। लेकिन जग्गू से लेकिन कुछ नहीं, उससे कह दो भाव सरदार से पूछ कर गिराया गया, जाओ अपना काम करो। झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं, चलो सरदार से चलकर पूछते उसने क्यों मच्छी का भेजा। चलो तेरे मामा तो भी मैंने राजी कर दिया, बस अब नाव को दौड़ देती तेरा काम है। तो माँ की परवाह न कर, बस्ती में मुझे हराने वाला अभी तो पैदा नहीं हुआ। जग्गू का जुल्म अब नहीं झेला जा सकता, तुम्हें जग्गू को बस्ती से निकालना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता तो तुम्हें गद्दी छोड़नी होगी। राजू सरदार, जग्गू सेठ ने मच्छी का भाव गिरा दिया, हम पूछने आए। हम कुछ पूछना नहीं चाहते। आपसे एक बात, जग्गू को बस्ती से निकालो या फिर गद्दी छोड़, हमारा सरदार राजा होगा। इसलिए जो समस्या था वही आज गद्दी छीनने आया। सरदार तुम खामोश क्यों खड़े हो? जग्गू को बस्ती से निकालो या अपनी गद्दी छोड़ दो। अगर किसी ने सरदार को गद्दी से हटाने की बात की तो मैं जबान काट दूंगा। इस गद्दी छीनने नहीं आए, सरदार को ये कहने आए हैं। बस बंद कर, मैं खूब समझता हूँ तुझे। हर जगह यही चर्चा है राज की, कि जग्गू सेठ बस्ती वालों का जीना दूभर कर देगा। घबरा हुए जाती दीन चाचा वीरे को समझाने गए, उनके बात नहीं जाता। वो आगे दीन चाचा क्या खबरना है चाचा? कुछ नहीं, जीरो ने मेरे सफेद बालों का भी ख्याल नहीं, खुद तो राजा के खिलाफ अपने दिल से मैला टाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो पहले ही जानता था, जब भी मैं उसको नशा पिलाना भी तो शुरू कर दिया। अब क्या होगा तुम्हें चाचा?
अरे बेटे, मुझे तो राजा से ज्यादा बाली की फिक्र सता रही है। वो बेचारी ये सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूं? भैया, तुम अब तक बैठे जीरे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम तो जानते हैं वो खुद ही भूल जाता है और खुद ही मर जाता है। देखना वो सुबह सुबह आएगा। नहीं जानी आपके पास मैं जीरे को अच्छी तरह से देखती बार मैंने जीरे की आंखों में नफरत देखी। नफरत तो मैं भी सोच रहा हूँ, इसे जरूर किसी ने बताया। हाँ, तो उसकी माँ ने ही बहकाया है और अब वो तुम्हारे बहकाने में कभी नहीं आएगा। लो संभालो अपनी ये मम्मी की अंगूठी। उसे पहनने पर तुमने मेरे बेटे को ब्लैक बना रखा। तुम दोस्तों से रिश्ता करना हमारे देश की। चाची, चाची मेरी बात तो सुनो। बच्चों को प्यार दो घंटे कैसे मिल सकता। बस और नहीं थे डेंगू से। बस आज मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज, मगर तेरी कसम में तू बेकसूर। तू खामखा इन लोगों के बहकाने में आ गया। अल्लाह, मैं तेरे खिलाफ कभी कोई कदम उठा सकता हूँ? और फिर ऐसी भी क्या बात है दोस्त, उसकी दूसरी बात पर फिर बच्चों का प्यार और दुश्मन की दोस्ती के रिश्ते टूट नहीं जाते। मेरी बात तो सुन ले, चल तू है। तूने जवाब दे जीरा, तूने शराब पी है? हाँ हाँ, शराब पी है। तू कौन होता मुझसे पूछने वाला? बात कर दो ना बाली, मैं जिस दोस्ती को खोज सका कुछ भी अपना है। मेरा दोस्त शराब में डुबो दिया। मैं कोशिश करूंगा कि चीज को मैं दुश्मन से भी बचा सकूं। नहीं, काम पर कैसे नहीं जाएगा। चलो चल।
भैया आज मैं तेरे साथ चलूंगी। जीरे ने तेरा इंतजार नहीं किया। नहीं दीनू चाचा, ये बात नहीं है। आज भैया ने वादा किया था मैं तुझे सैर कराने ले जाऊंगा, है ना भैया? वो गाना सुनाना जो हमेशा गाया करता है। मुलाकातों का ये आखिरी दिन है। अगर तेरे बाबा को सभा मन मछली की जीते तो मैंने भी एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है तूने? मैं भी तो सुनू। मैंने फैसला कर लिया है। अरे कबर का फल मीठा होता है, कभी तो खुदा तेरे बाबा के दिन में। तो फिर क्या जहन्नम में? पानी में तू नहीं जा सकता, मछली तू नहीं पकड़ सकता, बाबा से बात करते तुझे डर लगता है, फिर किस बात से? तो मैं क्या तेरे बाबा से डरता हूँ? तो और क्या नहीं? तो फिर कान खोल कर सुन ले, आज मैं तेरे बाबा से खड़ी खड़ी बात कर लेता हूँ। जल्दी छुप जा, बाबा आ रहे हैं। तुझे रसीद को यहाँ लाया? हाँ हाँ लाया हूँ। अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब? कैसा जवाब? किस बात का जवाब? अभी से मेरी दुकान बना दो, वरना 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 मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मुंशी जी। इसको दुल्हन बना दो, पकड़ बन जा, दुल्हन बना दो, इसके हाथ पीले कर दो और इसे डोली में बिठाकर मेरे दाद घर भेज दो। जब तक तू मेरी सर पूरी नहीं करेगा मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। सोच लो मुंशी जी। हाँ सोच लिया मुंशी जी, मैं पानी में डूब कर जान दे दूंगा। अरे तू क्या जाएगा पानी के पास? अच्छा तो राजा,
क्या शोर मचा रखा है? डूबने के लिए पानी में जाना पड़ता है और इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। उठी जाता है मगर मैं क्या करूँ, मैं पानी में नहीं जा सकती, पानी के बाहर नहीं जा सकती और इसका बाप सवाल मछली की शर्त में कमी नहीं करता। अब कोई बता मैं क्या करूँ? तेरी हालत पर तो सचमुच तरस आता है। फिर भी इसके लिए दूसरा कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रतिदिन की मेरी मदद करेगी? आ जा बात तूफान निकालो। कहाँ ले आई? आज बहुत दूर नहीं बाबा, अब नहीं। अरे खग्गा अकेले बैठा क्या कर रहा है? खग्गा? अरे मक्खियां मार रहा होगा। अबे खग्गे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सवा मन मछलियां पकड़ रहा हूँ बाबा। यहाँ? अरे यहाँ तो तुझे एक भी मछली नहीं है। क्या ख्याल है? और पकड़ू बस पता, बस तूने तो कमाल कर दिया। तो फिर बात पक्की, पूरी पक्की। खुदा को हाथी हाथी ना कर पूरी पक्की। खुश रहो प्यारे मुंशी अप्पो, खुश रहो, मुबारक हो और आपको। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं अब ये पिताई दिन से बैठे हुए थे। पता क्या मेरी बस वो बोला राष्ट्रीय का मंडी में झगड़ा होगा और जुगुल के आदमी से मार रहे हैं। देख के अपने दोस्त को, आपसे तो बस्ती का होने वाला सरदार क्या कुछ कर दोस्त क्या रहा? दादा ने आज ही दोस्ती का फर्म रख लिया। अगर वो चाहते तो आज धीरे और तो कर हाथ नहीं उठाते धीरे। राजा बेटे तुझे जीरे से बहुत दुख पहुंचा है मगर ये तो दुनिया है, यहाँ दोस्त से दुख नहीं मिलेगा तो और किससे मिलेगा? दुखी नहीं हो बोलू चाचा को जीरे को मुख पर हाथ नहीं उठाया। तो किस बात का है कि आज कुछ चक्कू के इशारे पर मेरे मुकाबले पर आया? हाँ बेटे चक्कू ने ये बड़ी खतरनाक चाल चली मगर तू घबरा नहीं, जीरा रास्ते से भटक गया, मंजिल नहीं भूला। मेरा दिल भी यही कहता है बीनू चाचा मगर मैं। अरे छोड़ इन बातों को बेटे, चल बाबा की दरगाह में चल, वहां तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। चल बेटे।
ये शादी राजा को चीरे से हमेशा के लिए दूर कर देगी। फिर राजा तुम्हारी गद्दी के लिए कभी खतरा नहीं बन सकेगा। चीरा सरदार बनेगा तो मेरी बस्ती की रानी कहलाएगी, सरदारी भी घर में रहेगी और बेटी भी आंखों से दूर नहीं होगी। ये अगर हाँ कहते तो वर्षों खुशी की बात और क्या हो सकती है? मुझे इंकार नहीं, जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी। इस दौर चीरा भी आ गया। आओ बेटा, तुम्हारी रिश्ते की बात हो रही है। बस जस्ट ये है कि कहीं नूरी इनकार न कर दे, वो हमारे फैसले के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोल सकती। ठीक है, और मैंने सुना था कि वो चीरे को नहीं राजा को पसंद करती है। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरा मानते हो तो मैं अपना कार्ड वापस लेता हूँ, मगर इस शादी के लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? क्या शर्त? कोई शर्त नहीं। नहीं सरदार, नूरी की शादी उससे होगी जो सरदार बनेगा, और सरदार बनने के लिए उसे बस्ती के रिवाज के मुताबिक नाव की दौड़ जीतनी होगी। मुझे वो शर्त मंजूर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, नूरी अब तुम्हारी आबरू बन चुकी है। कहाँ जा रही है वाला हूँ, और तू अपनी अकड़ छड़ा कर दिखो तो करती। तू हद से बढ़ता जा रहा है। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? कब क्यों है?
बस्ती वालों ने देख लिया है कि इस मीश के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके जुर्म की यह सजा है कि इसे काली चढ़ान से बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। जाओ ले जाओ। सरदार, काली चट्टान से कोई वापस नहीं आया। इस पर है
के चक में फंसा गए। नाव की दौर में हिस्सा नहीं दे सके। अगर ये वक्त कर दें तो ठीक जाने के बाद उस जीरो के मुकाबले में करूँ ठीक कहते थे। हमें भी इस मौके से फायदा उठाकर वालों की रसोई पूरी हो जाएगी और मेरा बेखत सरदार भी बन जाएगा। तो आज ही मुकाबले का ऐलान करा दो। अच्छा अच्छा। मंगा सरदार की तरफ से ऐलान किया जाता है कि नया सरदार बनाने के लिए बस्ती की रस्म के मुताबिक कल सुबह नाव की दौड़ का मुकाबला होगा। जो नया सरदार बनेगा उससे मंगा सरदार अपनी बेटी की शादी। सुन लो, दौड़ जीत कर जो नया सरदार बनेगा उसके मंगा सरदार की बेटी की शादी होगी। दफा फिर सोच ले राजा, तेरे फैसले का सब तुझ पर नहीं, इन बस्ती वालों की जिंदगी पर है। जीरे को सरदार बनवाकर जब गुस्से अपने हाथ मजबूत करना चाहता है, वो अगर कामयाब हो गया तो इन बस्ती वालों की जिंदगी को अजीर्ण कर देगा, इस बस्ती पर मुसीबत आ जाएगी। गप्पू को मात देने के लिए तुझे जीरे को मात देनी है। नाव की दौड़ में तेरे सिवा कोई जीरे को नहीं हरा सकता। नहीं चाचा, मैं जीरा के खिलाफ खेलना चाहता हूँ। जिस तरह जीरा तेरे खिलाफ हो चुका है। जीरा मेरे खिलाफ नहीं, उसे दुश्मन ने बैठा है। तो क्या हम मायूस होकर लौट जाए? राजा, तो तू क्या हमारा साथ नहीं देगा? इस काम के लिए तुम मुझे कह रहे हो तो मैं, मेरा दिल साथ देगा, मैं मेरे बाजू, मैं मजबूर। बता देना, नौ की दौड़ की बात बता देना।
सरदार का चुनाव है, वो सामने डेरा खड़ा है। इसका चक्कर लगाकर जो खुश नसीब दौड़ में अव्वल आएगा वही इस बस्ती का सरदार बनेगा। दौड़ में हिस्सा लेने वाले जवानों तैयार हो जाओ।
Thank you.
दिया मोड़ चाहत ने तू बाका धारा
बस्ती वालों, आज से राजा तुम्हारा सरदार। राजा की सरदारी का निशान संभालो, खुदा तुम्हारी मदद। राजा सरदारी मुबारक हो, मुबारक हो सरदार, हमारा नया सरदार राजा, नया सरदार राजा। तेरे मैं कौन हूँ जीरे? क्यों है जवाब दे, मैं कौन हूँ? तू बस्ती का सरदार है, सरदार की इजाजत के बगैर तूने पिंडाल से बाहर जाने की जरूरत कैसे? इधर शायद सरदार खुश है, तू क्या जाने सरदार क्या होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है। सरदार खुद सुख उठाता है लेकिन बस्ती वाले सुख पहुंचाता है। सरदार वो नहीं जो जग्गू सेठ के हाथों में खेलने लगे। राजा सरदार वो है जो जग्गू के जुल्म को कुचलने का हौसला रखता है। सरदार बस्ती का निगरान और बस्ती वालों के हक का रखवाला होता है। तू अगर माफी दौड़ जीतता, तू अगर सरदार होता सब कुछ कर सकता था। हाँ मैं इससे भी ज्यादा करता। फिर मैं तेरी अमानत तुझे सौंपता हूँ साथी। राजा सोच लिया है मुझे, साथी मुझे सरदार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, तेरी तमन्ना पूरी हो जाए यही मेरी खुशी। मैं बस ये चाहता हूँ कि तू इस अमानत की लाज रखे। मैं कौन हूँ? जवाब दे मैं कौन हूँ? तू बस्ती का सरदार है जी। तो फिर तूने सरदार से पूछे बगैर पिंडाल से बाहर जाने की जुर्रत कैसे की? वापस आओ। शायद तू ये नहीं जानता कि बस्ती वालों की जिम्मेदारियां क्या होती। जानता हूँ, अगर तू जानता है तो आज साथी हम दोनों मिलकर सबसे पहले जग्गू सेठ को खत्म करें। सरदार कोई मेरी तरफ आया तो मैं उसको शूट कर दूंगा। Thank you.
सरदार का फैसला है कि तेरी शादी नूरी से होगी और तू हमेशा हमारा दाया बाजू बनकर रहेगा, लेकिन तेरे दोस्त की एक आरजू है गले में अपनी शादी। हमें हाथ लगे तो बन जाती है वो प्यार।